हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है और यह उत्तरी भारत में स्थित है। यह हरियाणा के उत्तर पश्चिम और दक्षिण में स्थित है और उत्तर प्रदेश की ओर से यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। दिल्ली में कुल 9 जिले हैं। दिल्ली का क्षेत्रफल 1083 वर्ग किलोमीटर है और यह समुद्र तल से 216 किलोमीटर ऊपर है और इसकी अनुमानित जनसंख्या 2 करोड़ है। भारत के सभी महानगरों में आबादी के अनुसार दिल्ली का दूसरा स्थान है। सन 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कोलकाता को हटाकर दिल्ली रख दी गई। स्वतंत्रता के बाद इसे भारत की राजधानी बना दिया गया और 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया। 12 दिसंबर 1991 को 69वें संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने का ऐलान किया गया। चलिए अब हम दिल्ली के इतिहास के बारे में जानते हैं। पहला शहर 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। 1993 में मुगल शासकों ने इस पर कब्जा करके शहर में कुतुब मीनार बनवाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के राज में इसे मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी बना दिया। 14वीं शताब्दी का अंत आते आते तुर्क के विजेता तैमूरलंग द्वारा दिल्ली में किए गए विनाश और कब्जे से मुगलों का शासन समाप्त हुआ। भारत की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली में कई कला और शिल्प दीर्घाव है, जिसमें सभागारों के साथ नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं। अक्टूबर से मार्च का मुख्य महीना होता है। दिल्ली एक पर्यटक शहर है, यहाँ घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पुरानी दिल्ली में अनेक मस्जिदें हैं जो मुस्लिम इतिहास को सिद्ध करता है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है जो दिल्ली में स्थित है। पुरानी दिल्ली के मशहूर स्थलों में शानदार लाल किला, ऐतिहासिक चांदनी चौक, राजघाट और शांतिवन है। राजघाट और शांतिवन का निर्माण सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद हुआ था। दूसरी ओर नई दिल्ली एक आधुनिक शहर है। यह एक विशाल खुला शहर है जिसमें ऐतिहासिक इमारतों के अलावा अनेक सरकारी इमारतें हैं। यहाँ पर 160 से अधिक कॉलेज और अनेक विश्वविद्यालय हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे अनेक विश्वविद्यालय हैं। दिल्ली पूरे देश से हवाई मार्ग और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए उड़ानें मिलती है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो के नेटवर्क में 6 लाइन और 142 स्टेशन है। इसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो जल्द ही नई लाइनों और नई चरणों के साथ विस्तार करेगी। दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा प्रदर्शनी स्थल है जिसका नाम है प्रगति मैदान। 7 एकड़ में फैले इस प्रदर्शनी स्थल में 18 हॉल है। हर वर्ष नवंबर महीने में यहां भारतीय विश्व व्यापार मेले का आयोजन किया जाता है। दिल्ली अपने शानदार पर्यटक स्थलों, मनोरंजक सुविधाएं और प्राचीन इतिहास के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर है। तो दोस्तों, आपको दिल्ली की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।